It is very difficult to draw a thin line of difference between folk music, folk dance and folk singing, because more or less in Gujarat during the time which I am trying to focus upon, that is post 1850 era, folk music was more or less combined with folk dancing and folk singing. Now in Baroda state, we being Marathas, we brought folk music from the interiors of Maharashtra. From Khandesh, we brought the Tamasha. From Kolhapur, we got the Lavnis. From the Vidarbha region, we got excellent singers who used to sing to the accompaniment of the folk music that was rendered by the traditional bards. Now, Baroda became the center of cultural festivity in folk music from 1875 to 1880. Gujarat ki har ek choti baat, jisko shabdon mein पोएम में कन्वर्ट करके उसको जब पर्सन्स ने रिप्रोड्यूस किया थ्रू गाना, थ्रू बातें, दैट इज़ अ फोक, दैट इज़ अ संस्कृति, दैट इज़ अ कल्चर, दैट इज़ अ रिवाज. गुजराती कल्चर में अगर आप मेरे घर कभी आए तो मैं कहूँगी वेलकम, तो हम गुजराती में कहेंगे भावभीनु स्वागत है. पर इसी को अगर मुझे पोएम में कहना है तो मैं कहूँगी थंब थड़के ने मेड़ी हसे अने खेलाण लागी जो ने खाट तमे सौ भले ही पधारिया ए अमे जोता ता के दिनी तमारी वाट. हम जैसे मेहमानों को नहीं कहते अरे आप आए हमें बहुत खुशी हुई, अरे यार आपके आने से तो घर महक उठा. यही सब बातें मैंने अभी इस छोटे से स्टैंजा में कह दी. So this is all our culture which is giving a high spirituality and high positivity. Baroda ka jo hai वो इतिहास काफ़ी रिच है. यहाँ पे जो दुनिया भर में नाम मशहूर है उस्ताद फयाज़ खान साहब, जिनको आफ्ताबे मौसीकी का पुरस्कार दिया गया, उनको एक अवार्ड दिया गया है जो हिंदुस्तान में और किसी को नहीं दिया गया. 1800 की सदी के अंदर उस टाइम पे फयाज़ खान साहब को हमारे यहाँ पे यहाँ के जो हमारे राजा हुआ करते थे गायकवाड़ी सरकार, वो लेकर आए थे और उनकी जो गायकी थी वो बड़ी ज़बरदस्त गायकी थी. आप आज भी अगर सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि एकदम एक शेर की दहाड़ की तरह उनकी गायकी है. नोम तोम आलाप की तरह उनका एक अपना एक चलन है रहता है. रे 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 गा 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 म रे 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 सा पा पा नि सा रे गा 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 रे गा रे नि सा पा गा रे रे गा पा रे नि पा पा नि सा रे गा रे. सभी कल्चर के अपने अपने एक्सप्रेशन, अपने अपने भाव हैं. हमारा गुजराती गाना भावपूर्ण है, अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बहुत सिंपल गाना है बट बहुत इम्पैक्टफुल है, सीधा दिल में उतर जाता है. दिकरी मारी लाड़कवाई लक्ष्मी नो अवतार, दिकरी मारी लाड़कवाई लक्ष्मी नो अवतार, ए सोए तो रात पड़े ने जागे तो सवार, दिकरी मारी लाड़कवाई. फोक म्यूजिक में हमारे गुजरात का फोक म्यूजिक काफी फेमस है, जैसे कि हे काठियावाड़ माँ को दीजी रे तमे वेला पर भगवान, हे जी 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 रे हे तमे वेला ओ शामड़ा. गरबास, रास दांडियास, भवई, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फोक म्यूजिक एंड फोक डांसिंग एंड फोक सिंगिंग. कव्वाल्स, एज आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द इस्लामिक ऑर्डर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन पर्टिकुलर वर्ड दैट आई विल, इट इज वेरी रेयर दैट यू विल फाइंड दिस वर्ड इन टूडेज पार्लांस, इज नोन एज भांड. So this Bhand music was, you know, it had evolved in the last 400 years during the rules of the Marathas. The Bhand musicians became more or less very popular and they started taking part in all the different festivities which encouraged music
डांसिंग एंड फोक सिंगिंग।